subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज की इस वीडियो में हम iPhone की तरह एडिटिंग करने वाले हैं, वो भी दोस्तों इलाइट मोशन में। इलाइट मोशन में दोस्तों आपका माल की एडिटिंग कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने भी वाला हूँ, बहुत ही इजी है यार, कोई भी बंदा इसमें कमाल की एडिटिंग कर सकता है। इतनी प्रीमियम दोस्तों आपको टूल मिलते हैं, अगर आप इसको यूज करते हो तो आप अपनी वीडियो को कमाल की वीडियो का लुक दे सकते हो। सो जस्ट आज की इस वीडियो में हम कुछ कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं iPhone की तरह वीडियो की, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों हमारे पास जो इलाइट मोशन है वो बहुत ही कमाल का है, अगर आपको ये लाइट मोशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लाजमी सा कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल की और नई वीडियो ट्यूटोरियल। तो प्यारे भाइयों, आपके एक लाइक से कुछ जाने वाला नहीं, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब इसे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लाइट मोशन को ओपन करेंगे। लाइट मोशन बहुत ही बढ़िया है, यहां पर मैं अपने डेटा को ऑन कर लेता हूं। लाइट मोशन दोस्तों नेटवर्क के साथ नहीं चलता, पर मेरा वाला लाइट मोशन, मेरे पास डेटा नहीं है, जस्ट मैं कनेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों यहां पर लाइट मोशन काम करेगा, जस्ट यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां पर दोस्तों आपको प्लस का आइकन मिलेगा, प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको दो तीन फॉर्मेट, चार पांच फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। मैं टिकटॉक की वीडियो बनाने वाला हूं तो मैंने इस पर क्लिक कर ली। यहां पर आपने छेड़छाड़ नहीं कर देने हैं, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है, और यहां पर प्लस के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। प्लस के बटन में दोस्तों आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इमेज वीडियोस पे आपने क्लिक कर देना है, और जहाँ पर भी आपकी वीडियो है ना जिसमें दोस्तों आप कलर चेंज करना चाहते हो, मतलब के अगर आप आईफोन की तरह बनाना चाहते हो तो सिंपल से वो वीडियो आपने यहाँ पर इंसर्ट कर देने हैं। जैसे ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियोज इंसर्ट हो चुकी हैं। अभी आपने क्या कर देना है चलिए वो भी आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने इफेक्ट पर आना है, इफेक्ट पर आने के बाद दोस्तों आपने फिर से इफेक्ट पर आना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी सारे लातदाद दोस्तों आपको फिल्टर्स मिलेंगे, लातदाद आपको कमाल की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कमाल कमाल की दोस्तों आपको यहाँ पर टूल मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में है। सो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दो सजेस्ट करूँगा, वो ही दोस्तों आपने यूज़ कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपने आना है ब्राइटनेस एंड जो कंट्रास्ट है इस पर आपने आना है, और इसको थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद जो कंट्रास्ट है ना उसको दोस्तों आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आना है, और उसके बाद दोस्तों इसको बंद कर देना। फिर से इफेक्ट पर आपने जाना है, इफेक्ट पर फिर दोस्तों फिर से जाने के बाद दोस्तों आपने जो एक्सपोज गामा है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से फिर से आपने एक्सपोज थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने गामा भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, और इसी तरह फिर से आपको इसको भी बंद कर देना है। दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप पर आपने फिर से इस पर जाना है, और यहाँ पर दोस्तों ऑब्स्ट्रक्शन और ब्रिलियंस पे आपने आना है। इस पर ले आने के बाद दोस्तों आपने फिर से इस पर इसको अब दोस्तों आगे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपने इसको अपने हिसाब से रख देना है, उसके बाद आपने इसको भी बंद कर लेना। फिर से दोस्तों आपने एड इफेक्ट पर आना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक और कमाल की इसमें चीज़ बता दूँ। यहाँ पर दोस्तों आप रिप्लेस कलर पर अगर आप क्लिक कर लेते हो, और उसके बाद रिप्लेस कलर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिप्लेस कलर और न्यू कलर, रिप्लेस कलर से रेड पे आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने इस चॉइस टूल को आपने सेलेक्ट कर देना है अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने जाना है और इसको आपने थोड़ा सा ही ब्लू कर देना है। ठीक है दोस्तों, अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, अभी आपकी जो वीडियो है वो यार कमाल की लगेगी, लोगों को भी पता नहीं चलेगा भाई ने ये क्या किया है अपने हमारे वीडियो के साथ। तो अभी आपने वीडियो का दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितनी बढ़िया लुक दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो दे रही है। अब अगर आपने वीडियो सेव करनी है तो ओपन निशान पे अपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से अपनी मर्जी से वीडियो सेव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपकी वीडियो किस तरह लगने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी ट्यूटोरियल, छोटा सी वीडियो आप दोस्तों को समझ में आई होगी और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।